हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो रूम में लाइट नहीं चल रही है, वाओ एक ही चल रही है सामने। और हे हेलो, उठो उठो आ जाओ। हाँ हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको ऐसे बनियान मिला रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, पता नहीं कुछ तो कुछ कुछ अधूरा लग रहा है क्या। पैसा पैसा दे दो, हम तो सोचे थे पूरी पर्स उठा के दे दोगे, हमारी कितनी इज्जत बन जाएगी। इधर देखो, चलो इसी का काम है। मैंने पैसा मांगा, मैंने 5 रुपये, पैसा एक भी पैसा होता है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी करी ना। सो अब हम चल रहे हैं, एक्चुअली हमारी जो बड़ी जठानी है उनके यहाँ पूजा है। मे बी क्लिप रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, डिपेंड्स ऑन माय मूड। मूड पे डिपेंड कर रहा है कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। और आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा। तो हमने वाली साड़ी भी, एक्चुअली हम ज़्यादा साड़ी लेके ही नहीं आए थे, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि हमारे जो जठानी भी आएंगे ऐसा कुछ होगा, हमें रुकना पड़ जाएगा। तो साड़ी भी मत जाना। और हाँ तो बता दीजिए ना फिर, और क्या मुझे एक और। हाँ तो एक साथ दो दो प्रोग्राम हो, बोला ब्लॉग में आ जाओ तुम भाई, मैच सबसे इम्पोर्टेंट काम है। चलो चलते हैं, 2 मिनट हो गए। कड़िया पंडित तनी हवन, अरे भाई अले अले मजे इतने निक सजी उनके तो का रिकॉर्ड कर ली, बहुत निक आवत है पसीने साथ में, सिर्फ तो हैं कर थई। अच्छा ठीक है, तू कर हम दवा लगा हम वो कर, ठीक है सिर्फ हम तो हैं कर थई, हम मदद तक पूरा कर नहीं, सिर्फ तो का ठीक है हम कर। इतनी सुंदर आवत हो ना, एक पकड़ ले कुछ काम करते ले अभी तेरे ऊपर देखा मछली कितना टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, लाइट वर्क नहीं हो बात। हाँ यहाँ पानी लगता, भिंडी गिर गई, हम वो पाए हैं, हम वो पाए हैं, बहुत अच्छे ने मांगे हैं। फ्रेंड्स हम आ गए हैं, पूजा का थोड़ा सा ही क्लिप रिकॉर्ड किया जस्ट बिकॉज आपको पता ही है कि हमारे गांव के लोग कैसे हैं। वैसे खुद भले ही वीडियो बनाएंगे, ऐसे वीडियो में बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई वीडियो में आ जाता है तो ऐसे फेस छुपाता है ना कि ऐसा लगता है भैया पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोगों की हैबिट होती है, तो हम रिकॉर्ड नहीं, नेहा को हमने मना कर दिया कि नहीं मत करना, किसी का मत करना, सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया। मेरी वीडियो सब देखे, मेरे ससुराल से सभी लोग देखते हैं, तो मुझे किसी से मतलब किसी से डर नहीं है, जो जैसा रिएक्ट करता है वो ऐसा मैं बोल दे रही हूँ। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे बगल में रमाड़ बगल में नहीं, हमारे ही खानदान के हैं, लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है तो आपको पता ही है कि जैसे अभी देख लीजिए हमारे ससुर जी 2 भाई हैं, तो एक जन के 2 बेटे और एक जन के 3, तो परिवार जब बड़ा हुआ है तो हमारे ससुर जी के जो बड़े भाई हैं वो लोग, मतलब कि आप समझ देखो जो अपने हम दादू के जो पापा थे वो 2 भाई थे। हाँ। एक भाई के वो भैया लोग हैं जिनके घर में रामायण है। हाँ। एक जन के बड़े पापा और अपने बब्बा हैं, ऐसे मतलब हमारे ही हैं सब, एक सगे ही हैं, तो ये वो 2 लोग सब मुँह छुपा सब अपने घर के हैं, ये अमन
मतलब सब लोग अपने घर के हैं, जैसे कि बड़ा होता गया बढ़ते चले गए सब, लेकिन मैं अपने तीनों जन का चार चार सर अपने जानती हूँ, ये लोग हमारे ही हैं। नहीं उधर के आधे लोग सारे अपने हैं, एकदम ये वाला रिश्ता है खास वाला, मेरे पापा मतलब समझ लीजिए कि देवरानी जेठानी है अब ऐसे। तो उनके यहाँ रामायण है, हम लोग आज निकलने वाले थे, तो भाभी हमारी जो बड़ी भाभी है हमारे साथ बहुत सब बहुत वो थर्ड नंबर की है, उनसे उनसे बड़ी भी एक है का, तो लाइफ टाइम उनका जो एहसान है ना वो जब सच बता रही हूँ बहुत किया है उन्होंने। कुछ ऐसी स्टोरी है मेरी लाइफ से जुड़ी मैंने जो कभी नहीं करी है, तो इसीलिए मैं उनका एहसान नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ना उस टाइम मेरा साथ दिया था जब किसी ने नहीं दिया था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नेचर की है। तो वो जब आई कि भैया रहने दो, तो इन्होंने कहा कि जाने दो एक दिन और सही, थोड़ा काम का थोड़ा सही हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कल से होंगे, तो हम लोग इसीलिए नहीं गए। आपको शायद बैकग्राउंड में रामायण की आवाज आ रही हो, तो हम लोग बाद में आ गए, और आपको रामायण से भी ज्यादा तो एकदम कीड़े हैं कि ये वाली आवाज ज्यादा आ रही होगी, तो हमने नेहा से बोला कि नेहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। नेहा अपना हाथ दिखाओ, ओके मेहंदी उन्होंने खुद लगाया, अपनी मम्मी को लगवा दिया, देखो छोटी छोटी चाची के हाथ देखो आप, मुझे नहीं लगाए, कल मेरी तबीयत खराब थी, मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मेरी इतनी कंडीशन खराब थी मैं सबसे गुस्सा होके लेट गई, किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, भाई मेरी जो बीमारी है ना वो हमेशा की है, कौन पूछेगा। तो अभी फिलहाल मैंने नेहा से बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आते हैं, यहाँ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को, हम बाद में मिलेंगे भाई। अपनी सवारी से हालत कैसे हो गई है एकदम मस्ता, कहा कैसे रहा है, आईफोन है भैया ऐसे ही आएगा। एक बोली देख ले खोल दिए इनकी चोटी खोल दिए देख ले अगर आप आईफोन के लिए मरे जा रहे हो ना कि आईफोन आएगा मस्त वीडियो बनाएंगे, आपने भी तो देखा था ना, तो भाई लाइट अपने साथ बल्ब लेके चलना, कोई स्टोरेज के लिए परेशान, क्वालिटी के लिए परेशान, जिसको कायदे से चलाना आता है के लिए बेस्ट है, और जिसको नहीं आता नहीं आता। और हाँ लाइटिंग लाइटिंग में रहती हूँ ना, लखनऊ में रहती हूँ, मस्त गजब का आईफोन का वीडियो बनाते हूँ, मुझे पता है कि इसका बैक कैमरा मस्त है, लाइट लगाओ आराम से मिरर पे वीडियो बना लो। गांव में यहाँ जाते हूँ लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये तो मैं डे वन से बोल रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ जब 11 सीरीज की तब से बोल रही हूँ कि आईफोन अगर आपके पास लाइट परफेक्ट है तो ही ठीक है, नहीं तो चेहरे में जो नहीं है ना वो भी आपके चेहरे के अंदर घुस घुस के दिखाएगा, तो बस यही बात है। निकलने वाला होगा ना पहले दिखा देगा। देखो ये सब मेहंदी लगा ली, मुझे मेहंदी नहीं लगाई, देखो आप कल तबीयत ही आपकी खराब थी, तो अभी कौन सी नहीं खराब है मेरा, तो लगवाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए कल, हाँ कल करना है, कल का अभी मत रिपील करिए, कल का कर ले साड़ी ले लिए भाई मुझसे पागल हो गए तगड़ा, मुझे नौ लख मुझे नौ लख तो वही चाहिए, नहीं तो बोलो अभी ले लो भाई, लेकिन वो नौ लख नहीं है, नौ लख क्या नौ लाख आ गया सिंपल सा समझो ना, नौ लख नौ लाख का आई थिंक पहली बार ब्लॉग नहीं खा रहे हैं ना लंबुआ से ऐसे शॉपिंग करते, मस्त अच्छी अच्छी चीजें मिली, घर चल के दिखाऊंगी
बहुत गर्मी है यार, इतनी गर्मी पूछो। ये देखो पियो, रो रहे हो आप? अब चले चले चाचू, क्या क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं, बता दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं कैसे होता है पापा? कुछ नहीं, कांच तो खोलिए पापा। कुछ नहीं कैसे टेस्ट होता है? कुछ नहीं कैसे होता है? उनको तो जलेबी बोलते हैं। कुछ नहीं मतलब आपको अपना हाथ खाली, मतलब अपना हाथ में एक स्पेस हो और वही खा लो। नहीं मीठी? हाँ मीठी 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 मजा आता है ना। पानी आ रहा है। प्रत्युष लो, आप ये चटनी खाते कि नहीं? हाँ खाते हैं। अरे ये क्या कर दिए भैया, इसको मीठी चटनी में डुबो दिए पूरा। तो समोसा और जलेबी गई आ रहा है। जलेबी देखो पैक करने जा, देखो पैक कर रही है। देखिए वो देखिए मस्त। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं घूम के आता हूँ। ठीक है, ओके बाय। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और हमारी भाभी गई हैं बड़ी भाभी के यहाँ डिनर करने। हमारे दोनों बच्चे देखो, तो इनको छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं, तो हमारा डिनर यहीं पर आ गया था। क्योंकि प्रियू जो है किसी के पास नहीं रह सकती और इतनी रात तक वो जगती नहीं है। अगर दिन में सोई रहती है तो जगती है, और जब से गांव में आई है दिन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो सो पा रही है। कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है, कोई ना कोई उसको ले लेता है। 2-4 मिनट के लिए जाएगी, इसके बाद चिल्लाना शुरू। किसी को पहचानती तो है नहीं, तो बहुत रोती है। सो दिन में वो सो नहीं पाती है और अभी सो गई हैं। 10 बजे सोई हैं, अभी कुछ देर बाद जग जाएंगी, फिर मेरी रात काली करेंगी, रात में जगेंगी। सुबह 5 बजे ही चिल्लाती है, जो चिल्लाती है ना कि लेके बाहर चलो। सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आप सब में नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंदन को देखो, बाय प्रत्युष, बाय बोल दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके okay?